तो हे गाइस, मैं हूं केकेजेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केकेजेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप एक सीएससी आईडी लेना चाहते हैं, सीएससी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए। इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा कि आप सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सीएससी का फॉर्म कब तक आपका अप्रूव होगा, कब तक आपको सीएससी आईडी मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं भी बता दूं कि यदि आपको जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सीएससी का, ठीक है, सीएससी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद यदि डीएम आपसे इंश्योरेंस या फिर आईडी के लिए पैसा मांगता है, तो उसका भी सॉल्यूशंस मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू बताऊंगा, पूरी तरीके से इस वीडियो को बताऊंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट में जो होता है इजीली तरीके से फॉर्म को आपको दिखाकर उसमें कुछ टाइम लेकर मैं उसको आपको समझा सकूं, ठीक है। ऑनलाइन डायरेक्ट भरने वाले में क्या होता है कि हमें जल्दी फॉर्म को फिल करना पड़ता है, अदरवाइज हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन लो हो जाए या फिर आपका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए एट ए टाइम में, तो क्या होता है कि वहाँ रुक के आप चीज़ों को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे वो भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से चीज़ों को बता सकूं। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग अब कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम। अब यहाँ पर सर्च करेंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च कर लेंगे। सेशन सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी सीएससी रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सीएससी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी सी वेबसाइट्स में अभी प्रॉब्लम चल रही है ओपन होने में, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें एक बार। और क्लिक होने के बाद आप सिंपली तरीके से, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको करनी है। तो आप यहाँ पर सिंपली तरीके से, मैं यहाँ पर वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आप टेक का कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेक का रजिस्ट्रेशन सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर google.com सर्च करना है, और google.com सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है टेक सीएससी टेक लिखना है आपको, और सीएससी टेक लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा आपका जो cscentrepreneur.in, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए वेबसाइट जो है आपको इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपका लॉग इन विथ है, इसके ऊपर यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो डाटा होगा वो आप एग्जैक्टली सही डाटा रखें, गलत डाटा फील ना करें। ठीक है, तो यहाँ से टेक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। टेक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिंपली तरीके से एक एग्जाम देना पड़ेगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका उस सर्टिफिकेट क्लियर होने के बाद आपको सिंपली तरीके से आपका जो एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट में एक नंबर होगा टैग नंबर, उसी नंबर को आपको यहाँ डाल के रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है उसका, एग्जाम कैसे निकालना है सब कुछ मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका टैग रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। और मैं उसके बाद जो एक स्लिप होगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो सीएससी रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ हूँ, जब आप सीएससी रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो वहीं पर आपको दिखाई दे देगा वैसे सेम टू सेम, आपको उसी वेबसाइट में, इसी वेबसाइट में आपको जाना है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट आपका किस टाइप से होना चाहिए, कौन सी गलती होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर, कौन सी डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए। वीडियो लंबी बनेगी लेकिन आपको पूरी तरीके से इसमें पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीएससी रजिस्ट्रेशन का मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग को कौन कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो जो होगा वो 20 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और आपको यहाँ पर पैन कार्ड का भी आप बना लें, हालांकि पैन कार्ड अपलोड नहीं होगा लेकिन उसका नंबर लगेगा पैन कार्ड के अंदर, ठीक है। तो पैन कार्ड जो होगा आपको, एपी पैन कार्ड को भी आप स्कैनिंग करके रखें 100 KB के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर कैंसिल चेक रखें, ठीक है, कैंसिल चेक। पासबुक मत इंटर करें, आप पासबुक की जगह में कैंसिल चेक जो का कैंसिल चेक चेकबुक होगा उसे आप स्कैनिंग करके रखें, ये भी आपके 100 KB के अंदर होनी चाहिए। और आधार कार्ड का फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों होना चाहिए एक ही में, ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एक ही में होना चाहिए, ये भी 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट जो आप टेक रजिस्ट्रेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ, टेक रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप होगा
इस टाइप से टैक रजिस्ट्रेशन का एक स्लिप निकलेगा ट्रांजेक्शन वाला, ठीक है। जब टैक रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर या टैक रजिस्ट्रेशन के टाइम ही टैक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ तो आपको स्लिप मिल जाएगा, इसको स्क्रीन शॉट करके रख लें इसको, ठीक है। आपके उसी डैशबोर्ड पे ही आपको मिल जाएगा, तो आप स्क्रीन शॉट करके रख लें। तो यहाँ पर देखिए टैक नंबर है, इस टैक नंबर को भी आप कॉपी करके रख लें, ठीक है। अब आप जब टैक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके टैक नंबर जो है मोबाइल पे भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ईमेल आईडी पे भी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टैक नंबर भी आप कॉपी करके रख लें या फिर इसे स्क्रीन करके रख लें। तो आपके पास हुआ आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट, चेकबुक हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज चौथा डॉक्यूमेंट, और पांचवा डॉक्यूमेंट आपका जो स्क्रीन शॉट वाला है, नंबर टैग नंबर उठाने के लिए है, बस टैग नंबर वहाँ लेने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ इन डॉक्यूमेंट में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने सी सी आई डी को जल्दी अप्रूव कराना चाहते हैं, दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर, चार दिन के अंदर अप्रूव कराना चाहते हैं, तो आप जितना हो सके अपने डॉक्यूमेंट में करेक्टनेस रखें, ठीक है। करेक्टनेस का मतलब ये है कि आप कोई भी आपके डॉक्यूमेंट के अलावा, आपके डॉक्यूमेंट में जो नाम है उसके अलावा कुछ भी और डॉक्यूमेंट में नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप टैग रजिस्ट्रेशन में गलत नाम ना डालें, रजिस्ट्रेशन में गलत नाम ना डालें, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट के जितने नाम है वो सही होने चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके आधार कार्ड में जो आपका मार्कशीट में जो नाम है वही आपके आधार कार्ड में नाम होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड का एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, आपके फादर का नेम एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, और आपके डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, और वही नाम आपके बैंक के अंदर भी होना चाहिए, बैंक के अंदर भी आपका फादर का नाम वही होना चाहिए, ठीक है। आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए और आपका नाम सही होना चाहिए, आपके फादर का नाम सही होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो पैन कार्ड के अंदर आपका नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए आपका, और आपके फादर का नाम सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट के अंदर एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आप टैग रजिस्ट्रेशन के टाइम जो नाम रखे हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट को आप देख के वहाँ फिल करेंगे, ठीक है। और सीएससी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डाटा है वो तो ऑलरेडी फैच होके टैग का जो टैग रजिस्ट्रेशन का जो नंबर से आपका फैच होकर सीएससी रजिस्ट्रेशन में आ जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ कुछ जितनी भी डॉक्यूमेंट है आपको नाम, पिता का नाम, फादर का नाम, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस, सब कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट में है वो सेम टू सेम होना चाहिए, आपको सेम टू सेम वहाँ फिल करना है। इससे क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। तो सिंपली तरीके से मैं चलता हूँ। अब एक चीज़ और है कि जो आपका सीएससी जो रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, तो सीएससी रजिस्ट्रेशन करने में देखिए आपका जो सीएससी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपके दो दिन के अंदर भी आपका आईडी अप्रूव हो जाता है, ठीक है। और यदि दो दिन के अंदर आईडी अप्रूव नहीं भी होता है तो आपको 30 दिन वेट करना है, कम से कम 45 दिन, और 45 दिन के बाद यदि आपका आईडी अप्रूव नहीं होता है तो मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए कोई भी आईडी जो होती है अप्रूव डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हाथ पे नहीं होता, इस चीज़ याद रखिए, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ जो भी फॉर्म भरते हैं वो डायरेक्ट दिल्ली के अंदर जाता है, दिल्ली के हेड ऑफिस के अंदर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट होता है दिल्ली हेड ऑफिस में, ठीक है। और दिल्ली हेड ऑफिस से वहाँ टीम बैठी होती है जो कि आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने वाले कुछ अलग पर्सन बैठे होते हैं, अप्रूव करने वाले अलग पर्सन बने होते हैं, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने वाले अलग पर्सन बैठे होते हैं, आपका जो नाम है, आपका जो भी जो पोर्टल है आपको डिज़ाइन करने के लिए, वहाँ पर वेबसाइट के अंदर आपके डिज़ाइन करने के लिए अलग पर्सन बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हटा दीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हाथ में होता है। हाँ, कुछ पोर्शंस पे आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हाथ में जरूर होता है, लेकिन आप विश्वास रखें आपका जो आईडी है, आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है, तो आपका 45 दिन से 50 दिन या 60 दिन मैक्सिमम, कोरोना के टाइम में 60 दिन बढ़ा दिया था, तो आपको कम से कम नहीं तो 45 दिन तो आपको वेट करना पड़ेगा। यदि नहीं होता है तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्क्रीन शॉट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सब कुछ सीखते हैं। और एक चीज़ आपको अपनी पूरी डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखनी है, आपकी पूरी डॉक्यूमेंट क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ आपका डाटा, आपका नेम, सब कुछ, चाहे वो टैग रजिस्ट्रेशन में हो या फिर सीएससी रजिस्ट्रेशन में हो, आप जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो नाम है वही नाम आपको रखना है, और ये तीनों डॉक्यूमेंट का डाटा सेम मैच करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ओपन करके देख लेते हैं, यदि एक बार और ओपन होता है तो, ठीक है। यहाँ पर से एक बार मैं और सीएससी रजिस्ट्रेशन आपको सिंपली तरीके से सर्च करना है, और यहाँ पर सीएससी रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर देखिए मैं एक बार क्लिक करूँगा registration.cse.government.in।
तो देखिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। ये वेबसाइट पे जैसे क्लिक करेंगे, मैं भी जो स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ वही पेज आपका ओपन होने वाला है। तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। और सब चीज मैं डिटेलिंग में बताऊंगा कि आपको कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए मैं आपको वेबसाइट बता दे रहा हूँ। मैं दोस्तों मैं वीडियो इसलिए लंबी बना रहा हूँ ताकि आपका फॉर्म जल्दी एक्सेप्ट हो, इसलिए पूरी डिटेलिंग बता रहा हूँ चीजों की ताकि गलती ना करें आप। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए आप देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट का आपको यूज करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एक ही वीडियो में मैं काफी चीजें बता दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली तरीके से आपको फाइंड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है देखिए यहाँ www. देख सकते हैं यहाँ पास latlong.net है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने इसके लिए भी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो ये जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आप बहुत इजी तरीके से अपने गांव का जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड है उसको डाल, सिंपली तरीके से आपको अपना गांव का नाम डालना है और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, फाइंड करना है, आपका जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड है आपको दिखा देगा। इस वेबसाइट की सबसे बड़ी खासियत बात है कि आपको जियो लोकेशन वाले जो मैप है और गूगल वाले मैप से आप मैच करके अपना लैटिट्यूड गांव का नाम जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको जो सीएससी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये वाला मैप नहीं मिलना है वहाँ पर, आपको ये जियो लोकेशन वाला मैप मिलना है। अब ये जियो लोकेशन वाले मैप में ना बहुत प्रॉब्लम करता है, इजिली फाइंड नहीं कर सकते आप इसमें, आपको गूगल अर्थ वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सिंपली तरीके से यहीं से फाइंड करके अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को देख के जाएं, यहाँ पर नोटिस करके जाएं कि कहाँ पर आपका एरिया पड़ रहा है, ठीक है। कोई नदी कोई ऐसा लाइन आप नोटिस करके जाएं, क्योंकि आप लैटिट्यूड को वहाँ कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने एरिया को एकदम फाइंड करके जाना है, उसका डेटा नंबर को याद रखना है कि इसी एरिया में इसी रोड मैप पे इसी एरिया पे या फिर इसी कुछ ना कुछ पॉइंट या क्लू पे आप इसी मैप पे आप देख के जाएं, क्योंकि आपको जो मैप मिलने वाला है सीएससी रजिस्ट्रेशन के टाइम ए वाला मैप मिलेगा, ना कि ए वाला मैप मिलेगा। इस वाले मैप पे तो आप इजी फाइंड कर लोगे, गूगल अर्थ का मैप है तो यहाँ तो इजीली आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो मैप है जियो लोकेशन वाला है मैप आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन में मिलेगा। तो आप यहीं से ढूंढ के जा रहे हैं, ठीक है, यहीं से ढूंढ के आइडेंटिफाई करके जाएं और वहाँ पर अपना पॉइंट कर दें, ठीक है। क्योंकि पॉइंट करेंगे, आपको बता रहा हूँ, आप इतने डॉक्यूमेंट को क्लियर करके आपका डाटा सही है, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सही है, आपका डॉक्यूमेंट तुरंत अप्रूव होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि दोस्तों इसमें करेक्ट चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली किया हुआ है। मेरा भी आईडी 2 दिन के अंदर आया था और भी मैं जितने लोगों का कम से कम 7-8 लोगों का आईडी दिलवाया सबके 2-4 दिन के अंदर आईडी आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहीं से फाइंड करें इसी वेबसाइट से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। देख सकते हैं मैं स्क्रीन शॉट लेके रखा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम लेके आपको चीज़ें बता सकूँ, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी लेकिन आपको ये वीडियो देखनी है बस शुरू से लेकर अंत तक, आपको सीएससी आईडी मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चार्ज लगता है 1450 रुपये और टैक वाला बस वही लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप सीएससी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जो आपकी जो वेबसाइट csc.rgistration.csc. वाली जो वेबसाइट ओपन होगी वो आपको यहाँ पर लेके जाएगी। और आपको यहाँ पर लेने जाने के बाद देखिए अप्लाई का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो देखिए सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको CSC Valley वाला, ठीक है, CSC Valley वाला। यहाँ पर देखिए CSC Valley वाला आप सेलेक्ट कर लें। CSC Valley वाला जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर टैग नंबर डालने को आएगा, और टैग नंबर के लिए मैंने बताया है कि आपको टैग एग्जाम देना पड़ेगा, और टैग एग्जाम देते हैं तो आपको ए वाला नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी वाले नंबर को आप डालेंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है, टैग नंबर इसी वाले नंबर को वहाँ डालेंगे आप, ठीक है। वहाँ पर आप सिंपली तरीके से यहाँ पर जो अपना टैग नंबर है उसको डालेंगे और आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। और याद रखिए मोबाइल नंबर आप वही इंटर करेंगे, जो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि आधार के साथ आधार कार्ड के साथ अपना जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करवाना जरूरी है, याद रखिए, क्योंकि उसी में ओटीपी आएगा, ठीक है, ऑथेंटिकेट वाला भी आएगा और रजिस्ट्रेशन भी करवाना है आपको, ठीक है। तो आधार के साथ अपना मोबाइल नंबर और एक पर्सनल ईमेल आईडी रजिस्टर करवा लें। तो यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर इंटर किए हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करें। इंटर करने के बाद उस मोबाइल नंबर पे आपका जो है ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप फिल कर दें, ठीक है, उस ओटीपी को फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला और वहाँ पर ओटीपी आएगा और आप कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर टैग नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे,
मोबाइल नंबर पर जैसे ओटीपी आएगा उसको फिल करेंगे, उसके बाद आपका ईमेल आईडी एंटर करने के लिए आएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ओटीपी सबमिट हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी को सबमिट करके, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपका टैग नंबर डाला है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो चुका था, ओटीपी है सेंड बिन, यहाँ पर ओटीपी आया, यहाँ पर फिल कर दिया आपने, और यहाँ पर आपने ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी डालने के बाद देखिए ईमेल आईडी पे भी आपका ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे भी आएगा। आपने मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पर ओटीपी डाला, इसके बाद आपका ईमेल आईडी आया, और ईमेल आईडी के बाद ईमेल आईडी पे ओटीपी गया, और आपने यहाँ पर ईमेल आईडी पे ओटीपी, ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया है उसको आपने यहाँ पर डाल दिया, और डालने के बाद आप कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपका जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे देखिए आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा, ठीक है, ईमेल आईडी दिखाई देगा, यहाँ पर आपका जितना डाटा होगा आपको दिखाई देगा, ठीक है, ईमेल आईडी आपको दिखाई देगा, फिर आपका आधार नंबर आपको दिखाई देगा, आधार नंबर यहाँ पर दिखाई देगा आपने जो सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर या वर्चुअल नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और देखिए जेंडर वगैरह ऑटोमेटिक जो टैग के अंदर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहां पर पूरा डाटा दिया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो आप पूरा डाटा फिल करेंगे टैग रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सब डाटा आधा से अधिक तो सीएससी रजिस्ट्रेशन में उठा लेता है यहीं से, ठीक है, यहीं से उठा लेगा। तो देखिए आपने फीमेल सेलेक्ट किया होगा तो फीमेल रहेगा, मेल रहेगा तो मेल, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है, अपना पंचायत सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना है। आपको आगे की स्टेप मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल दिए, फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो भी, आप जो आपका जेंडर है वो ऑटोमेटिक टैग रजिस्ट्रेशन से आता है वहाँ से भी, लेकिन फिर भी आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ भी वहीं से आएगा टैग रजिस्ट्रेशन वाले पेज से जब आप टैग रजिस्ट्रेशन का नंबर डालेंगे। स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आप रूलर या फिर गांव से हैं या फिर शहर से हैं इसको सेलेक्ट करना है, यदि गांव से हैं तो रूलर को सेलेक्ट करें, शहर से हैं तो अर्बन को सेलेक्ट करें, और ऑथेंटिकेशन का टाइप कौन सा है आप यूज़ कर सकते हैं, आईडी से यूज़ कर सकते हैं, ओटीपी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास फिंगरप्रिंट है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ओटीपी पे ही क्लिक करके अपना कैप्चा फिल करें और टर्म एंड कंडीशन का एक्सेप्ट करके सबमिट कर दें। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज आ जाएगा, फिर मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज आएगा तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसके ऊपर जो आधार और ऑथेंटिकेट वाला है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने ओटीपी वाले पे सेलेक्ट किया था तो ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जो आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी जाएगा और ईमेल पे भी जाएगा, और इसके बाद आप सिंपली तरीके से आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने के बाद आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड का और उसके ईमेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी चला जाएगा, और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको आप फिल करके वैलिडेट कर देंगे, ठीक है, फिल कर दें और वैलिडेट पे क्लिक कर दें। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद देखिए ओटीपी वैलिडेट होगा, और वैलिडेट होने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, हाँ, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी जो आधार का जितना भी डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ वेरीफाइड आपको दिखाएगा आधार वाला, ऑलरेडी यहाँ पर ओटीपी जैसे आप डालेंगे तो आधार का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि आपको एक इमेज रखनी है अपने पासपोर्ट साइज फोटो, सीएससी वैली का जो है उसका पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, और यहाँ ब्राउज करके आप उस फोटो को ले आए, ठीक है, और फोटो आपका 20 KB का होना चाहिए, 20 KB के अंदर होना चाहिए, तो ब्राउज के अंदर आप ले आए, ठीक है। स्क्रीन शॉट से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं चीजों को, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ले आए, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कियोस्क डिटेल है, कियोस्क डिटेल के अंदर कियोस्क नेम जो दिया हुआ है इसके अंदर आप अपने शॉप का नाम डालेंगे, अपना नाम ना डालें, अपने शॉप का नाम डाल दें, जो भी शॉप रखे हैं शॉप का नाम उसको रखें, ठीक है। स्ट्रीट के अंदर आप, स्ट्रीट के अंदर आप सेलेक्ट कर लें, कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि वार्ड नंबर हो गया, मकान नंबर हो गया, स्ट्रीट नंबर हो गया, इसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। स्टेट कौन सा है आपको ऑलरेडी टैग रजिस्ट्रेशन से आएगा, टैग रजिस्ट्रेशन के डाटा से आ जाएगा, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट भी आपको वहीं से आ जाएगा, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, मतलब ब्लॉक, और आपको पंचायत सेलेक्ट करना है, और आपको गांव सेलेक्ट करना है, विलेज, ठीक है, विलेज भी सेलेक्ट करना है आपको जो गांव रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको पिन नंबर करेक्ट देना है, याद रखिए पिन नंबर आपको एकदम अच्छे से करेक्ट देना है पूरी तरीके से, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड के अंदर होगा। पोस्ट ऑफिस भी आपको सेलेक्ट करना है, जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है जहां पर आपका पोस्ट आता है, और पुलिस स्टेशन भी आपका जिस भी तहसील के अंदर पुलिस स्टेशन आता है उसको सेलेक्ट करना है।
अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जिसके कारण सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है। दो ही कारण है रिजेक्ट होने का, या तो डॉक्यूमेंट आपका जो आधार के अंदर डॉक्यूमेंट है उससे डाटा मैच नहीं किया हो, क्योंकि उसी को वेरिफिकेशन के लिए उसी को वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं आधार कार्ड को, ठीक है, उसके अंदर यदि डाटा सही है तो आपका कोई दिक्कत नहीं जाना है। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपका दूसरा स्टेप है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपको पॉइंट करना है मैप के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर आप फील नहीं करेंगे, इंटर नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आपको लोकेशन पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे फाइंड करना है, आपको वहां पर जियो लोकेशन वाला मैप मिलेगा, ना कि गूगल अर्थ वाला, ठीक है। गूगल अर्थ वाले में तो इजी अपना गांव फाइंड करना आसान है, लेकिन वो जो जियो मैप वाला है उसमें आपको नोटिस करके रखना है, इस चीज को क्लू में रखना है कि मेरे गांव के अगल बगल कौन सा एरिया है, कौन सा मैप है, रोड है, उसको थोड़ा दिमाग पे रखना है, ठीक है, और वहीं पर पॉइंट आउट कर दें आप, ठीक है। इतना भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम लगभग अपने गांव तक पहुंच जाएं आप, वैसा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड कर दें, ठीक है। आगे के स्टेप में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मैप दे सकते हैं, मैंने जो अभी मैप बताया था आपको वही मैप एग्जैक्ट वहां पर आपको दिखाई देगा। देखिए आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं ये जो मैप है एग्जैक्टली जो मैप है इसी टाइप से आपको दिखाई देगा, देखिए, ठीक है, एग्जैक्टली यही मैप आपको दिखाई देने वाला है। तो इस मैप में ढूंढना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। तो आप वहीं से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले वेबसाइट से आइडेंटिफाई करके आए और डायरेक्ट वहां पर पॉइंट कर दें, ठीक है, बस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल डालना है। यदि आप इंडिविजुअली अपना बनाए हुए हैं पैन कार्ड, किसी पर्सन का नॉर्मली पर्सन है तो आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करें, जनरल आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपका इंडिविजुअली होगा। और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है और वेरीफाइड करना है। पैन नंबर में वो क्या वेरीफाई करेंगे, आपका नाम और आपके फादर का नाम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यदि वो आपके आधार कार्ड से मैच करता है, आपने जो टैग रजिस्ट्रेशन या सीएससी रजिस्ट्रेशन में जो नाम दिया है उससे मैच कर गया तो अप्रूव हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, 100% प्रूफ बता देगा। देखते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जैसे वैलिडेट करेंगे यहाँ पर देखिए पैन कार्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली नेम, ठीक है, नेम मैच करेगा 100% नेम आपका जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं आधार कार्ड और पैन कार्ड से। इसलिए बोल रहा हूँ सभी डॉक्यूमेंट आपके सेम होने चाहिए और सब में आपका डाटा होना सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बैंकिंग डिटेल यहाँ भरनी है। बैंकिंग डिटेल में आप अपना करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट जो भी दे दें, ठीक है। हालांकि अब शुरू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके पास सेविंग अकाउंट होगा तो सेविंग अकाउंट ही डाल दें और इस अकाउंट का नंबर डाल दें यहाँ पर, अकाउंट होल्डर, ठीक है, अकाउंट होल्डर का या फिर अकाउंट होल्डर का नाम डाल दें जिसका नाम है, ठीक है। सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करें या फिर करंट है तो करंट अकाउंट सेलेक्ट करें और उसका नाम डाल दें। आईएफएससी कोड आपको मिल जाएगा। ये सब डाटा जो बैंकिंग का डाटा है आप चेकबुक से देख के भरें, ठीक है। चेकबुक के अंदर देखें, चेकबुक के अंदर आपका नाम भी दिया रहेगा, आपका आईएफएससी कोड भी दिया रहेगा, आईएफएससी कोड को भी भर दें। आईएफएससी कोड को जैसे आप फिल करेंगे यहाँ पर आपके बैंक का नाम और उसका एड्रेस सब कुछ आ जाएगा, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हाँ मेरा आईएफएससी कोड सही है, ठीक है। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर फिल करना है अपना, जिस भी आप सेविंग अकाउंट का डिटेल डाल रहे हैं उसका अकाउंट नंबर फिल करना है, ये भी आपके कैंसिल चेक में मिल जाएगा। इसके बाद आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है, ये भी 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ब्राउज करेंगे और जहां भी आपका लोकेशन होगा कैंसिल चेक का उसको आप फाइंड करेंगे और उसको यहां पर ले आएंगे और कैंसिल चेक 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं KYC डॉक्यूमेंट, जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा, एड्रेस डॉक्यूमेंट होगा, फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा, और सबके लिए काम आने वाला है KYC डॉक्यूमेंट। KYC डॉक्यूमेंट पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको दिखा देता हूँ, KYC डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट ले आएंगे अपना, ठीक है, ब्राउज करके अपना आधार कार्ड अपना ले आएंगे और वो भी जो होगा वो 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो भी डाटा होगा आधार कार्ड का वो 100 KB के अंदर ब्राउज करके ले आएंगे और 100 KB के अंदर होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन है, इस टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, चेक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए रिव्यू पॉइंट में, ठीक है, डायरेक्ट दिल्ली जो है आपका डाटा चला जाएगा। मैं आपको दोस्तों फिर भी बता रहा हूँ कि आपकी जो यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये देखिए आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, सीएससी वीएलई रजिस्ट्रेशन एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा,
वो आपका कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है, और जो आपका एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट है वो आपके मेल पे भी, जो आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मेल आईडी था, आपने जो सीएससी रजिस्ट्रेशन का टाइम भी जो अभी डाला, उसमें आपका मेल चला जाएगा ये पूरा डाटा, ठीक है, आपकी पूरी डिटेल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल ऐसे दिखाई देगा। आप इसको प्रिंट करके रख लें और पीडीएफ भी सेव करके रख लें जनरल के लिए यूज के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से सीएससी रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे अप्रूव होगा आपका, ठीक है। तो मैं आपको इसकी फिर से रिपीट बता रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ इसके बाद सीधा दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मैंने जितनी अभी आपको बातें बताई, इतने बातों को यदि आप क्लियर कर लिए तो आपका डॉक्यूमेंट जो है 5 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद भी नहीं होता है ना फिर भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम इतने डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करके रखे रहें, ठीक है। और इस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान ना दें कि वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपका अप्रूव करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है अप्रूव का, ठीक है। आपका वैसे भी डॉक्यूमेंट आपको 40-45 दिन बाद अप्रूव होना ही है, ठीक है, यदि आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सही है, एड्रेस नाम वगैरह आपका सही है, आप डॉक्यूमेंट धुंधला वगैरह नहीं देना है, आपको डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर स्कैन करना है। यदि स्कैनिंग वगैरह कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर से करना है, ये सब चीज़ नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको जो आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू में गया है वो डॉक्यूमेंट आपको, आपके डॉक्यूमेंट सही है तो 100% आपको 40-45 दिन के मैक्सिमम बता रहा हूँ, 40-45 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो देखिए 2 दिन के अंदर मेरे को यहाँ पर मिल चुका था, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं जनरल पर्पज के लिए मैं यहाँ पर जो आईडी है मैं ये सब रेफरेंस नंबर वगैरह सब हाइड कर दूंगा, लेकिन देखिए ये आईडी मुझे 2 दिन के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन में मिल गई, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट सही रखें, थोड़ा सा हो सकता है कोई कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं जो कुछ दिन और लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो एकदम 2 दिन के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप इन डेटा को सही रखेंगे ना तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर भी मिल जाएगा। और यदि ये 10-20 दिन 25 दिन के बाद भी नहीं मिलता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास कॉल करते हैं तो इंश्योरेंस के लिए बोलते हैं, तो उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका भी मैं ताबड़तोड़ सोल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।